वेलकम। सो टुडे आई विल डिस्कस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। सो अर्लियर आई एक्सप्लेन ऑलरेडी व्हाट इज पर्सनालिटी, एटीट्यूड, ऑल दोज थिंग्स आई एक्सप्लेन ऑलरेडी। सो विल गो फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। सो इफ यू टॉक अबाउट पर्सनालिटी, ऑलरेडी वी नो योर पर्सनालिटी इन द टाइप ऑफ पर्सन you are, which is shown by the way you behave, feel and think। आप कैसा सोचते हो, कैसा बिहेव करते हो, कैसा फील करते हो, वो सारे आपके पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना वो आप में एक इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए। पर्सनालिटी का मतलब ये होता है, आप कह सकते हो कि पर्सनालिटी टू टाइप्स का होता है। आप कह सकते हो पर्सनालिटी इज़ द टू टाइप्स, देर आर बेसिकली टू टाइप्स, वन इज़ इनर डेवलपमेंट, अनदर वन इज़ आउटर डेवलपमेंट। एक्सक्यूज मी, सो व्हाट इज़ इनर डेवलपमेंट? In inner development or inner self, you can say, improving the personality inner way. So you'll go for what? Emotions, thinking, ability, self-confidence, ability to learn, attitude. These are the inner development. आउटर डेवलपमेंट यू कैन से, और एक्सटर्नल डेवलपमेंट, अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज, दीज आर द आउटर डेवलपमेंट। जनरली अभी आप जनरल बात करें पर्सनालिटी का, तो दो चीज़ मैंने ये की पॉइंट दोनों में बता दिया, इनर और आउटर के लिए। पर आप देख सकते हो ऐसे जनरली बात करें तो इनर पर्सनालिटी कैसे बोल सकते हैं? आप कोई टीवी देखते हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, या कोई और वीडियो देख रहे हो किसी माध्यम से, बाय सीइंग दैट एंड क्विकली यू रिएक्ट, सो दैट इज़ इनर डेवलपमेंट। व्हाट यू गॉट, दैट इज़ योर इनर डेवलपमेंट। दैट पर्सनालिटी व्हाट एवर यू विल डेवलप बाय सीइंग द वीडियो, बाय रीडिंग द न्यूज़पेपर, बाय वॉचिंग समवन, तो वो सारे आपका इनर डेवलपमेंट है। आपका माइंड क्विकली उसे रिएक्ट कर रहा है, तो वो इनर डेवलपमेंट है। और आउटर डेवलपमेंट क्या कह सकते हैं? आप कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे टाई लगाते हो, किस वे में आपका हेयर कटिंग है। जैसे कि मेरा बियर्ड एक अलग लुक है, एक यूनिक बनाता है, तो वो आउटर डेवलपमेंट को शो करता है। एंड बोथ आर वेरी इम्पॉर्टेंट वाइल डेवलपिंग द पर्सनालिटी। सो ऑलवेज आप देख सकते हो कि आपका पर्सनालिटी अलग लगेगा। आइदर सी, इफ आई रिमूव दिस गॉगल्स, सी द पर्सनालिटी, डिफरेंट लुक है। अगर मैं इसको डाल के देखता हूँ तो अलग दिख रहा है। सो दीज आर द आउटर थिंग्स। इनर थिंग्स इज वॉट? मेरा हमेशा पॉजिटिव सोच होना चाहिए, मेरा हमेशा थिंक, जो अंदर सोच होनी चाहिए वो बहुत पॉजिटिवली बहुत मददगार साबित हो, इस तरह होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ आपका इनर डेवलपमेंट काम करता है। आप कोई मोटिवेट किसी वीडियो से हो रहे हो और उसे फिर आप अपने यूज़ में ला रहे हो, जस्ट एज ए स्टूडेंट इफ़ यू आर सीइंग सम मोटिवेशन थिंग्स, then you are using, you are going for a study more and more, तो आप एक अंदर अपने अंदर एक generate किए एक अलग personality, तो वो भी आपका। और self confidence जो आपके अंदर क्षमता है self confidence का, वो भी एक inner part है develop करने का। तो ये सारे development of personality में आते हैं। और ब्रीफली इफ यू गो थ्रू नोट्स यू कैन रीड इट, बट
दीज आर द बेसिक की पॉइंट. इफ आई रीड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन द रियल सेंस रेफर्स टू डीपर लेवल ऑफ ए पर्सन. सो ए स्टडी ऑफ आवर पर्सनालिटी शुड स्टार्ट फ्रॉम क्लियर ग्रैप्स ऑफ ए नेचर ऑफ आवर माइंड एंड हाउ इट फंक्शंस. आप पर्सनालिटी डेवलप करने से पहले आप अपने माइंड को रीड करना सीखो कि कैसे वो मेरा माइंड सेटअप है, आइदर आउटर के लिए इनर के लिए कैसे सेटअप है और कैसे उसको फंक्शन कर रहा है, कैसे फंक्शन कैसे सोच कैसा सोच रखते हैं. दैट इज़ ऑल्सो यू कैन से जैसा सोच रहता है और जैसा थिंकर होता है, जैसा बिहेवियर होता है, नेचर्स होते हैं. यू कैन से नेसेसरी टू नो आवर माइंड, फंक्शन ऑफ द माइंड, हैबिट्स, ये सारे आपके पर्सनालिटी को डेवलप करने में काम आते हैं. सो यू गो थ्रू ऑल दोज थिंग्स अबाउट पर्सनालिटी, मोर एंड मोर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड डू इट कम्प्लीटली एंड यू योर सेल्फ ऑल्सो डेवलप योर पर्सनालिटी. पर्सनालिटी ऐसा चीज़ है कि आपको टॉप लेवल पे जा सकते हो आप अपने पर्सनालिटी के जरिए, और आप अच्छे पॉजिटिव वे में जा सकते हो. सो यू हैव टू डेवलप योर पर्सनालिटी. इज़ द टोटल थिंग्स व्हाट यू आर डूइंग, दैट इज टोटल थिंग्स. जैसे कहते हैं ना, सारा काम करके निचोड़ जो आता है एक टोटल, वो दिखता है वो पर्सनालिटी में, तो वो पर्सनालिटी को प्रेजेंट करेगा आप. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, यू गो फॉर इट. एंड आई शेयर ऑल द नोट्स एवरीथिंग एंड डे बाय डे आई विल शेयर दीज थिंग्स स्पीच माय स्पीच टू यू. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू.